हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है ज्वेलरी कलेक्शन पर। ओके, तो सबसे पहले बता दूँ, ये कलेक्शन मेरा नहीं है, ये कलेक्शन होने वाला है जीवा का। तो जीवा की जितनी भी ज्वेलरीज है वो सभी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो ज्वेलरीज है ये उसको मिले है जीवा के नेमिंग सेरेमनी पर। तो जो भी ज्वेलरीज मिले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ एक एक करके कि उसको क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको एक साथ बता देती हूँ कि उसको कितने ज्वेलरीज मिले हैं। तो ये सारे जो है जीवा के ज्वेलरीज है जो भी उसे मिले हैं नेमिंग सेरेमनी में। तो मैं आपको इसमें से जो भी स्पेशल होंगे मेरे लिए या उसके लिए वो मैं आपको बता दूंगी कि किसने दिए है। तो आप मेरे ब्लॉग में ऐसे ही कंटिन्यू रहिए। ओके, तो सबसे पहले जो है ये है जो कि है एक गोल्ड चेन। ये जीवा को दिया है उसकी दादी ने उसके नेमिंग सेरेमनी पर। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसा है और इसका डिज़ाइन कैसा है। तो ये इस तरह से है, बीच में डायमंड के बॉल्स जैसे कुछ डिज़ाइन है। तो ये जीवा को मिला है उसकी दादी की तरफ से। सेकेंड, जीवा की नानी के घर से क्या आया है, दीवा की नानी के घर पे आया है ये छोटा सा कड़ा या बैंगल्स, आप जो भी उसको बोलो। ये देखो ऐसे है, ये एडजस्टेबल है, मतलब उसके साइज के अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट करके उसको पहना सकते हैं। तो ये आया है उसकी नानी की तरफ से उसे। ओके, उसके बाद जो है ये है इयररिंग, छोटा सा इयररिंग, ये आया है दीवा को मेरी बुआ की तरफ से, यानी कि मेरी पिशी की तरफ से। आई गेस सबको ये दिख रहा होगा क्लियरली। ओके, इसके बाद का जो कलेक्शन होगा वो होगा अगेन ये मेरे लिए आई गेस बहुत स्पेशल है क्योंकि ये जो लॉकेट है मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, मतलब अच्छे से बता देती हूँ। ये आप लॉकेट देख सकते हो, इस लॉकेट में दीवा का नाम लिखा गया है। ये जो दिया है ये जो मेरे बड़े पापा है उनके बेटे ने मेरे नेटिव प्लेस कोलकाता से भेजा है यहाँ पर दीवा के नेमिंग सेरेमनी के लिए गिफ्ट। तो एक्चुअली उन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि हम उसका नाम क्या रखने वाले हैं, हमने किसी से डिस्क्लोज नहीं किया था, बट स्टिल उनको ये लॉकेट पे नाम लिखना था इसके लिए हमने बताया। तो ये लॉकेट पर उन्होंने दीवा लिखा है, तो ये हमने उसे नेमिंग सेरेमनी पर पहनाया भी था। तो ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि इसमें उसका नाम लिखा है। देन उसके बाद जो है ये छोटा सा नेकलेस बोल रही हूँ, लॉकेट है जो कि हम चेन में मतलब चेन में डालकर इसको पहना सकते हैं। देन उसको मिला है ये रिंग, हम उसे नहीं पहना पाए बिकॉज उसका हाथ इतना, इसके फिंगर्स इतने, मतलब इतने छोटे है कि ये जा ही नहीं रहा था। ये एक रिंग है, उसके बाद ये रिंग, उसके बाद और एक रिंग है। तो टोटल 3 हैंड मतलब फिंगर रिंग्स है उसके पास। ओके, उसके बाद है अगेन ये छोटा सा इयररिंग जो कि इससे बहुत क्यूट लगेगा, मतलब वो थोड़ी जो बड़ी हो जाएगी एटलीस्ट 1 ईयर की हो जाएगी तब हम उसे ये पहना सकते हैं। तो ये इयररिंग है छोटा सा। ओके, तो ये थे गोल्ड, ये थे गोल्ड। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसे क्या क्या मिले हैं। ये हाथ में जो पहनते हैं सिल्वर का है, ये है एक ऐसे, एक्चुअली उसको बहुत सारे मिले हैं। देन ये सेकंड है, ये भी सिल्वर का हाथ में पहनाने वाला है। देन ये थर्ड है, ये भी अगेन हाथ में पहनाने वाला है। हाँ, ये 3 मिले हैं हाथ में पहनाने के लिए। और ये आई गेस इसे पैर में पहनते हैं, तो ये भी 2 मिला है। ये काफ़ी, इसका वेट काफ़ी है, तो ये आई गेस ये अभी तो नहीं पहन सकती और ये बहुत बड़े, मुझे भी आई गेस 2 या 3 साल की होगी तब ये पहनेगी। तो ये वो है। उसके बाद पैर में पहनने के लिए जो पायल होता है वो भी मिला है उसे। तो उसमें से पहला सेट ये है। देन उसके बाद उसको मिला है ये वाला, क्योंकि ये छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब वो चलने लगते हैं ना, तो ये पहन के जब भी चलेंगे तो मतलब घुंगू का आवाज आता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये एक मिला है। देन उसके बाद ये एक सेट मिला है, तो पायल के 3 सेट मिले हैं। उसके बाद सीवा को मिला है
एक चांदी का बॉल, बाउल और स्पून, जो कि अगेन ये भी स्पेशल है क्योंकि जब भी जीवा को फर्स्ट टाइम हम खाना खिलाएंगे तो इसी में रखकर खिलाएंगे। तो ये जो थे, ये सारे थे जीवा के कलेक्शन जो उसे मिले हैं उसकी नेमिंग सेरेमनी में। वैसे उसके उसको और भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं जो कि ड्रेस एंड ऑल, तो वो तो इतने सारे हैं कि वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा जो ज्वेलरीज के कलेक्शन है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा। और भी मैं नए नए ब्लॉग्स लाती रहूँगी, तो आप बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।